ये आकाशवाणी है। सामयिकी में प्रस्तुत है राष्ट्रीय पोषण अभियान पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर और पत्रकार विजय क्रांति। शेखर अय्यर जी, कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था और ये एक मौका होता है कि जब महिलाएं और बच्चे दोनों के कल्याण के लिए, खासतौर से उनके पोषण पर जो चर्चा इस बार खूब महत्वपूर्ण स्थान ले चुकी है और जो भारत का पोषण अभियान है वो अब अपने उस चरण में है जहां उसका लक्ष्य है कि 2022 तक जहां तक संभव हो सके उस आखिरी बच्चे और आखिरी माता तक भी पोषण का स्तर सुधारा जा सके जो इसके कारण प्रभावित रही हैं। तो इस वक्त जहां हम खड़े हैं और पोषण अभियान का जो पखवाड़ा शुरू हुआ है उसका जो मुख्य लक्ष्य है वो है महिलाएं, खासतौर से गर्भवती महिलाएं और बच्चों को दूध पिलाने वाली माताएं और छोटे बच्चे और स्कूल जाने वाले बच्चे, इन सब के पोषण का स्तर सुधारा जाए ताकि 2022 तक आते आते भारत को कुपोषण से मुक्ति मिल सके। आपको क्या लगता है कि ये जो अभियान है ये क्या दिखा रहा है कि हम अपने जो राष्ट्रीय लक्ष्य हैं जो मोदी सरकार ने उभले ही आर्थिक क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में और इधर जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो तय किए हैं उसे कैसे ये परिलक्षित करता है? ये पोषण अभियान जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के लिए बहुत महत्वपूर्ण और बहुत प्रायोरिटी कैंपेन रहा है। इससे पहले इसको नेशनल न्यूट्रिशनल मिशन कहते थे और प्रधानमंत्री चाहते थे इसको एक जन आंदोलन के रूप में पोषण अभियान करने के लिए उन्होंने आदेश दिए थे। उसके बाद ये दूसरा साल है जब इस तरह की पोषण अभियान का एक पखवाड़ा हो रहा है जिसमें उद्देश्य यही है कि सारे राज्यों में और यूनियन टेरिटरी समेत ऐसा ही कार्यक्रम लिया जाए जिसमें सारे फोकस रहे, जिन फोकस की आपने भी जिक्र किया कि जो बच्चे हैं जो 6 साल तक उनकी जो किस तरह अच्छा न्यूट्रिशनल खाद मिले, दूसरा जो गर्ल चाइल्ड हैं उनकी जो एडोलेसेंट एज जो कहा जा रहा है मतलब टीन एज से पहले वाले उनको भी अच्छा ये मिले, और उसके बाद जैसे आपने कहा गर्भवती और जो दूध पिलाने वाली जो माताएं हैं उनकी जो स्वास्थ्य और फूड जो लेते हैं उसमें अच्छी न्यूट्रिशन मिले, इसके लिए ये कैंपेन है। ये कैंपेन जो लक्ष्य इसमें तय किया गया है कि अभी जो जितने बच्चे हैं जिनमें कभी स्टंटिंग होती है, जिनकी ग्रोथ नहीं हो पाती क्योंकि उनको अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिलता, वो चाहते हैं कि 3 साल में कम से कम इसको 6% इसकी फिगर हम कम कर दें क्योंकि हमारे अब बहुत बच्चे जो आते हैं जिनकी स्टंटिंग प्रॉब्लम। हाँ, यानी कि बच्चे का विकास है वो कुछ पोषक तत्वों की कमी की वजह से कहीं रुक जाता है। तो ये उस रुकने की जो प्रक्रिया है जो उसके स्वास्थ्य को सारी जिंदगी प्रभावित करती है उनकी संख्या उसको ठीक कर, उन संख्या के ये 6% कम करना चाह रहे हैं आने वाले 3 साल। वैसे ही देखा जाए इस अभियान का दूसरा जो लक्ष्य है, बच्चे जब पैदा होते हैं तभी अंडरवेट होते हैं, जब बच्चे अंडरवेट होते हैं उनमें कई प्रॉब्लम्स आते हैं तो कई डिफेक्ट्स भी हो जाते हैं, और अंडरवेट होने का एक जो बहुत बड़ी समस्या है बच्चों में उसकी वजह से उनका जो प्रतिरक्षा है, जो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है, जो हवा में और पानी में अलग अलग तरह के कीटाणु रहते हैं, जिस तरह की इन्फेक्शन होती हैं उनसे जो बचाव है उसकी प्रक्रिया बड़ी कमजोर हो जाती है उन लोगों में जो कुपोषित हैं, और खासतौर से जो छोटा बच्चा है जो अभी बिल्कुल शुरू के 2 साल की उम्र में है वो तो बहुत ही सेंसिटिव होता है इस मामले में। और तीसरा जो इसका लक्ष्य जो है बच्चों के अंदर आप देखेंगे तो 6 महीने से लेकर 5 साल तक भी देखेंगे कई बच्चों के अंदर वो ब्लड की कमी होती है जिसके वजह से एनीमिक कहा जाए, एनीमिक लोहे के तत्व जो है वो भी उसकी कम है, जो एनीमिक वाला उस फिगर को भी हम कम करना चाहते हैं क्योंकि बहुत बच्चे, ये बच्चों में भी समस्या है, ये महिलाओं में भी समस्या है और इस वजह से ये राष्ट्रीय जो अभियान है उसमें एनीमिया लोहे की जो कमी है उस पर खासतौर से ध्यान दिया जी। और पांचवी जो इसका है क्योंकि जब आप प्रेग्नेंट महिला पर ध्यान देंगे तब जो बच्चे जो जन्म होते हैं अधिकांश केसेस में है कि वो बड़े कम वेट के होते हैं तो वो भी एक प्रकार से एक चैलेंज है, तो उसको भी ठीक करने के लिए ये कार्यक्रम है। यूनिसेफ ने एक सर्वे किया है, नेशनल न्यूट्रिशनल सर्वे, उसमें उन्होंने देखा है कि ये कार्यक्रम शुरू होने के बाद फिगर्स भी इम्प्रूव हुई है। जैसे पहले एक नेशनल हेल्थ सर्वे हुआ था जो हम स्टंटिंग की बात कर रहे थे 38.4% की उन्होंने इशारा किया था, एक साल के बाद हम देख रहे हैं 34.7% हुआ है। वैसे दूसरी चीज हम बात कर रहे थे कि अंडरवेट,
वेट बच्चों की बात, पहले जो बच्चे वो अंडरवेट की जो फिगर था वो 35% था, अब वो जाके 33% हुआ है। तो ये कार्यक्रम का जो अभियान चल रहा है जिसमें सारे फोकस लगे हुए डिस्ट्रिक्ट लेवल से ब्लॉक लेवल से, यही बात जब ये अभियान शुरू हुआ था 2017-18 में तो सबसे पहले उन जिलों पर ध्यान दिया गया था, 315 जिले जो इससे बहुत ज्यादा प्रभावित थे, और उसके अगले साल में 2018-19 में फिर 235 जिलों को इसमें जोड़ा गया, और वर्तमान जो साल चल रहा है उसमें जो बाकी शेष जितने भी जिले हैं उनमें जिला स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर, ब्लॉक स्तर तक ये अभियान ने जोर पकड़ा है। इसलिए आप जिस रिपोर्ट का उदाहरण दे रहे हैं यूनिसेफ का, ये उसमें वो परिणाम दिखने लगे हैं कि ये जो अभियान है वो अपना असर दिखा रहा है। लेकिन आगे मेरा ख्याल है भारत के लिए चुनौतियां अभी और भी आगे बाकी हुई है। नहीं, हमारे यहाँ तीन प्रकार की जो प्रॉब्लम पोषण को लेकर तीन है, एक है कैलोरी डिफिशियंसी, जो खाते हैं उसमें उतनी कैलोरी नहीं होती। दूसरा है प्रोटीन डिफिशियंसी, प्रोटीन बच्चों के लिए ग्रोथ के लिए जरूरत है, अच्छी ग्रोथ होना चाहिए, बॉडी की अच्छी बिल्ड होना चाहिए तो उसकी प्रोटीन की। तीसरा जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन के अलावा बाकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी कमी है। ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, अभी हम बात कर रहे थे कि लौह तत्वों की, जो लोहा है उसकी कमी खून में होना, और एक और न्यूट्रिएंट जैसे जो गॉल ब्लैडर की समस्या आती है जो बहुत कॉमन रही है भारत में, उसको नमक में आयोडीन जोड़ने से उसमें बहुत बड़ी कमी आई है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में ये भी एक बहुत बड़ी, जो दोनों एलिमेंट हैं आयरन और खासतौर से। देखिये, ये तीन फैक्टर्स, कैलोरी डिफिशियंसी, प्रोटीन डिफिशियंसी और माइक्रो न्यूट्रिएंट की जो कमी की जो बात की जा रही है, तो इसके लिए इस कार्यक्रम में यही किया गया कि कैलोरी डिफिशियंसी उसको, ये जो ICDS कार्यक्रम जो है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, उस माध्यम से आपको मिड डे मील स्कीम में और सप्लीमेंट की बात की गई है, जहां भी हो बच्चों को सप्लीमेंट दे सके, और रेगुलर हेल्थ चेकअप की भी बात की गई है। और दूसरा मैंने जो कहा कि जो प्रोटीन का जो प्रॉब्लम है वो मिड डे मील स्कीम में कि दाल वगैरह ज्यादा इस्तेमाल हो, क्योंकि प्रोटीन हमारे लिए ज्यादातर प्रोटीन का आपको ये है दाल, दाल है और अंडा है, अंडा है, इसको मिड डे मील में इंट्रोड्यूस, मिड डे मील में इंट्रोड्यूस किया गया। और बाकी जो थर्ड है उसका भी वही है कि ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी की बात है, वहां पे सरकार ने ये सोचा है इसके साथ साथ हॉर्टिकल्चर को इंकरेज करना चाहिए, जहां पे फल और सब्जी वगैरह ज्यादा खाने की एक इंकरेजमेंट होनी चाहिए। देखिए, ये जो अभियान का जो एक चीज जो देखा गया है, ये केवल आप खाद्य पदार्थों में चेंज करके पोषण का ध्यान दे पाएंगे वो तो ठीक है, एक कदम है, लेकिन साथ साथ बाकी जो चीजें हैं जो इस अभियान के दौरान फोकस दिया जाएगा वो है कि उन परिवारों की इकोनॉमिक हेल्थ क्या है, क्योंकि क्या उनमें वो क्षमता है ये सब खरीद के खाने का, या ये अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं, वो बात है। दूसरा जो चीज है कि जनरल हेल्थ हाइजीन, स्वास्थ्य के लिए जो चीजें हैं, जैसे सेफ ड्रिंकिंग वाटर की बात की जा रही है, क्लीन वाटर। और दूसरी चीज भी इसके साथ है कि इसमें जेंडर का भी प्रॉब्लम है, कई जगह जहां है कि जो मेल चाइल्ड है उसको खाद मिल जाता है लेकिन गर्ल चाइल्ड का डिप्रेवेशन होता है, तो उसको कैसे, हालांकि उस बैलेंस में काफी फर्क आया है और बहुत सारे राज्यों में वो परंपरा जो है वो ठीक हो रही है, पिछले कुछ दशकों में उसमें सुधार हुआ है। इसी में मैं एक दो प्वाइंट और भी जोड़ना चाहूंगा कि ये जो आपने तीन बिंदु बताए, चौथा एक और है कि जो बच्चों के स्वास्थ्य को नुकसान करने वाली कुछ ऐसे तत्व हैं, जैसे कि पेट में कीड़े होना, उन कीड़ों के डिवर्मिंग के लिए देश भर के स्कूलों में एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत रेगुलर इंटरवल पर उनको गोलियां दी जाती हैं, ताकि अगर किसी बच्चे के पेट में कीड़े हो गए हैं तो वो उनको मार के निकाला जा सके। इसी तरह दस्त और उल्टी के लिए जो ORS और जिंक का जो घोल है उसका प्रमोशन पूरे राष्ट्रीय पैमाने पर इसको शुरू किया जा चुका है, जिसका अपना असर है। आयोडाइज सॉल्ट की हम पहले बात कर चुके हैं, और जो मिशन इंद्रधनुष है, ये जो इन्फेक्शंस बच्चों को होती हैं जो हवा से, पानी से, गंदे वातावरण में रहने से होती हैं, तो मिशन इंद्रधनुष में जो टीकाकरण का अभियान है वो 2014 से चल रहा है और वो अब अपना काफी असर दिखा रहा है, जिसकी वजह से जो आप परिणाम कह रहे थे कि यूनिसेफ को अच्छे परिणाम दिखाई देने लगे वो हो रहा है, और आंगनवाड़ी का जो है या जो मिड डे मील का जो स्तर है वो सुधारने का जो काम हुआ है, मुझे लगता है कि उसका भी असर अब दिखाई देना शुरू हुआ है। इंटरनेशनल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान था 117 राज्यों में 102 का, तो हम चाहते हैं कि हमारी फिगर और अच्छी हो, कि हम, हमारे बच्चे, हमारे माताएं, उनकी स्वास्थ्य में भी सुधार हो, ताकि हमारी इंटरनेशनल स्टैंडिंग में भी हमारी फिगर बढ़े। ये अभियान कम से कम 10 करोड़ परिवार तक पहुंचने की जो कोशिश है इसमें, हाँ, जो लक्ष्य है 2022 तक 10 करोड़ बच्चों और महिलाओं तक पहुंचने का है, तो हम उम्मीद करते हैं वो इस अभियान के माध्यम से होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सामयिकी में अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय पोषण अभियान पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर और पत्रकार विजय क्रांति।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा पता है airnsdtalks@gmail.com। कार्यक्रम को दोबारा से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsoneair.com।